Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2007 की डच फिल्म लव इज ऑल के बारे में, जो कहानी है चार डच जोड़ियों की जो नेदरलैंड्स के एक फेस्टिवल सिंटरक्लास के मौके पर एक दूसरे से जुड़ गए। एम्स्टरडैम में हर कोई सिंटरक्लास की तैयारी कर रहा था। उनमें से एक है क्लास, जिसे उसके पति ने धोखा दिया था और इसलिए वो अकेली अपने बेटे को पालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने अपने पति को डिवोर्स दे दिया है। क्लास के पिता एक टीवी शो पर काम कर रहे हैं, जहां वो सेंट निकोलस यानी कि सांता क्लॉज बनते हैं। पर शो के दूसरे एक्टर्स को लाने में डैनियल नाम के लड़के को देरी हो गई और इस बात से नाराज होकर क्लास के पिता जब चिल्लाने लगे तो हार्ट अटैक आने से उनकी शो शुरू होने से पहले ही मौत हो गई। दूसरी ओर क्लास अपनी दोस्त सिमोन से मिलने गई, जो अपने परिवार को अकेली संभालती है, और उसका पति एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करता है। सिमोन ये नहीं जानती कि उसका पति टेड ये बात छुपा रहा है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। जब क्रू के लोगों को क्लास के पिता की मौत की खबर मिली तो वो सोचने लगे कि अब उनका शो कैसे पूरा होगा, और तब डैनियल की नजर एक अनजान आवारा आदमी यान पर पड़ी और उन लोगों ने उसे सेंट निकोलस बनाने का काम शुरू कर दिया। जल्द ही शो शुरू हुआ, जिसे देखने एम्स्टरडैम के सारे लोग आए। उस शो को देखने नेदरलैंड्स का राजकुमार वैलेंटाइन भी आया था, और उसके बारे में सुनकर दूसरों की ही तरह विक्टर नाम के एक आदमी को लगा कि वैलेंटाइन की जिंदगी कितनी हसीन है। शो के दौरान क्लास को उसके पिता की मौत की खबर मिली और ये सुनते ही वो वहाँ से जाने लगी। कुछ देर बाद अचानक सिमोन की बेटी नदी में गिर गई और तब उसे बचाने यान नदी में कूद पड़ा। क्लास अपने बेटे को लेकर अपने एक्स हस्बैंड डेनिस के पास गई और उसने कहा कि उसे फ्यूनरल की तैयारी करनी है, इसलिए उनके बेटे को संभालने का काम डेनिस को करना पड़ेगा। यान अब दुनिया की नजरों में एक हीरो बन चुका था, पर वहाँ से निकलने की जल्दी में वो सेंट निकोलस के कपड़े पहनकर ही वहाँ से भाग निकला। उस जगह से कुछ दूर विक्टर के बॉयफ्रेंड केस की एक आदमी से हाथापाई हो गई, और जब विक्टर उसे लेने गया तो उसे बताया गया कि केस की दिमागी हालत ठीक नहीं और वो हर वक्त गुस्से में रहता है। पर विक्टर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो केस और उसकी आने वाली शादी के बारे में सोचने लगा। विक्टर की बहन कीकी सिंटरक्लास के परेड का हिस्सा थी। उसका हमेशा से एक राजकुमार से शादी करने का सपना रहा और इसलिए उसे वैलेंटाइन बहुत पसंद था। वैलेंटाइन के सामने आते ही वो घबराने लगी, पर जब वैलेंटाइन उसकी मदद करने पहुंचा तो उसी को कीकी से प्यार होने लगा। वैलेंटाइन और कीकी की मुलाकात अब एम्स्टरडैम में फेमस हो गई थी, पर कीकी को डर था कि दुनिया के सामने अब उसका मजाक बन चुका है। विक्टर समझ गया था कि उसकी बहन वैलेंटाइन को पसंद करती है, पर कीकी ने यह बात छुपाई। यान दुनिया की नजरों से गायब हो गया और सड़क पर भूखे पेट घूमता रहा। तब उसी सड़क पर रह रहे एक आदमी ने उसे खाना दिया और अपने बोट हाउस में रहने के लिए बुलाया, पर यान ये नहीं जानता था कि वो एक ही दिन में एक सेंसेशन बन जाएगा। जिस आदमी एपी ने उसे रहने की जगह दी, वो सचमुच उसे सेंट निकोलस ही मानता था। कीकी के साथ काम कर रहे लोग अब उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि वैलेंटाइन उन्हीं की दुकान में आ रहा है। जैसे ही वो दुकान में घुसा, उसके पास कीकी के साथ ही आ गए, और जैसे ही वैलेंटाइन ने कहा कि वो कीकी से मिलने आया है, वो दोनों हैरान हो गए। दूसरी ओर यान को हर जगह ढूंढा जाने लगा ताकि आगे के शोज में वो सेंट निकोलस बन पाए, पर वो किसी को नहीं मिला। कीकी को जब बताया गया कि वैलेंटाइन उससे मिलने आया है तो उसने भरोसा नहीं किया और अपने साथी से उसने ये कहने के लिए बोल दिया कि उसे किसी राजकुमार से नहीं मिलना। ये सुनकर वैलेंटाइन खुद उसके पास गया। वो कीकी को बताने लगा कि वो उसे पसंद करने लगा है, पर कीकी ने हड़बड़ाहट में उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उसे लगा कि वैलेंटाइन की नजरों में वो अब एक मजाक बन चुकी है। एक दिन सिमोन टेड से मिलने वही गई जहाँ वो काम कर रहा था, पर वहाँ जाने पर उसे पता चला कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसी शाम यान प्रोडक्शन क्रू की एक लड़की के सामने आ गया और उसे देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने यान को उसके कपड़े लौटा दिए और बताया कि वो उसे सेंट निकोलस बनाना चाहती है। पहले तो यान नहीं माना, पर जब उस लड़की अलीशिया ने उसे बताया कि उसे इस काम के बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो वो मान गया, और फिर उसे एक आलिशान होटल में रहने का मौका मिला। कीकी के कहने पर वैलेंटाइन चला तो गया, पर वो वापस एक ऐसा कैरेक्टर बनकर आया जो परेड में मौजूद रहता है, और उसने उस काम के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। ऑडिशन में वो सिलेक्ट होने में कामयाब हुआ और उसे कीकी के कंपनी में नौकरी मिल गई, पर उसके आने से टेड को मिली वही नौकरी उसके हाथों से चली गई। विक्टर ने उस रात केस को बताया कि वो जल्द से जल्द शादी करना चाहता है, पर केस शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचकर डरने लगा। यान का काम भी उसी रात शुरू हुआ और उसे बच्चों के साथ शो करने का मौका मिला, पर शो का काम उसके लिए आसान नहीं था। उसने कुछ ऐसी बातें कह दी जिन्हें सुनकर शो के प्रोड्यूसर ने कहा कि ये शो कंट्रोवर्शियल होने वाला है और इसी वजह से वो हिट हो जाएगा।
यही बात बताने जब अलिशिया यान के पास गई तो यान ने कह दिया कि वो ये शो नहीं कर सकता, पर अलिशिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने अलिशिया से कहा कि वो पैसों से ज्यादा उस इंसान के बारे में सोच रहा है जिससे मिलने वो इस देश में स्पेन से आया है, और अलिशिया ने कहा कि वो यान को उसी इंसान के पास ले जाएगी। कुछ दिनों बाद विक्टर ने अपनी शादी के बारे में कीकी को बताया और कीकी ये सोचकर रोने लगी कि उसे अब तक प्यार नहीं मिला, पर वो ये नहीं जानती थी कि उससे प्यार करने वाला वही मौजूद था। यान को लेकर अलिशिया उस जगह पहुंची जहां वो शार्लोट नाम की औरत से मिलने आया था, पर वहां यान को पता चला कि शार्लोट यानी कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। निराश होकर वो वापस अलिशिया के पास गया और उसने कहा कि वो वापस अपने देश स्पेन जाना चाहता है। किसी तरह अलिशिया ने उसे रोकने के लिए मना लिया। दूसरी ओर वैलेंटाइन ने अब भेष बदलकर कीकी से दोस्ती कर ली और उसे अपना नाम वैलेंटाइन बताया, और धीरे धीरे कीकी और वो एक दूसरे के करीब आ गए। टेड को एक बार में नौकरी मिली, पर वो उस नौकरी से खुश नहीं था। वो इस बारे में सिमोन को बताना तो चाहता था पर बता नहीं पाया। यान को एक नए शो पर बुलाया गया जहां उससे कंट्रोवर्शियल बातें बुलवाई गई, और उन्हीं रेसिस्ट बातों की वजह से शो पर व्यूअर्स बढ़ते गए। एक तरफ पैसे कमाने के बावजूद यान खुश नहीं था, तो दूसरी तरफ केस अगले दिन होने वाली अपनी शादी से खुश नहीं था। वैलेंटाइन को ये डर था कि कीकी उसे पहचान जाएगी, और इसलिए उसने कीकी से दूर भागने की कोशिश की, पर कीकी ने उसे देख लिया और उसका पीछा करते हुए वैलेंटाइन उसके हाथ आ गया। कीकी ने उसकी इस हरकत के लिए उसे डांटना शुरू किया, और फिर वैलेंटाइन ने उसे बता दिया कि वो उससे प्यार करने लगा है। वो उसे अपनी पहचान बताने ही वाला था कि तभी कीकी ने कहा कि वो हमेशा से जानती थी कि वही वैलेंटाइन है, पर वो देखना चाहती थी कि वो कीकी के लिए और क्या क्या कर सकता है। अगले दिन विक्टर और केस की शादी का वक्त आ गया, और सैकड़ों लोगों को शादी में देखकर केस डरने लगा। इसलिए शादी पूरी होने से पहले ही केस ने कह दिया कि वो शादी नहीं करना चाहता। वो वजह बताए बिना रोते हुए वहां से चला गया। दूसरी तरफ क्लास के पिता का फ्यूनरल शुरू हुआ, और उस फ्यूनरल पर केस आ पहुंचा जहां वो फ्यूनरल सर्विस का काम करता है। क्लास ने अपने पिता के लिए एक बहुत अच्छी स्पीच दी, पर फिर उसे पता चला कि जिस आदमी के लिए उसने स्पीच दी है वो उसके पिता नहीं, किसी और की लाश है। असल में केस की गलती से बॉडीज की अदला बदली हो गई, और अपने पिता की लाश लेने जब क्लास दूसरे हॉल में गई तो उसकी मुलाकात डैनियल नाम के लड़के से हुई। डैनियल क्लास को देखते ही उसके पास आ गया, और क्लास उसे पसंद करने लगी। ये जानते हुए भी कि डैनियल उम्र में उससे छोटा है, वो उसके करीब जाना चाहती थी, और डेनिस ये बात समझ गया। कुछ वक्त बाद उसी जगह पर केस को यान मिला जो शार्लोट की कब्र पर फूल चढ़ाने आया था। यान को जब केस ने अपनी परेशानी बताई तो उसने कहा कि अगर विक्टर और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो किसी भी बात के डर से उन्हें एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यान की बात सुनकर केस ने विक्टर से बात की और कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, पर विक्टर को लगने लगा कि शायद केस किसी और को पसंद करता है। वैलेंटाइन और कीकी अपने डेट की तैयारी कर रहे थे, पर इस बीच वैलेंटाइन के पास उसके दोस्त आ गए, और उनकी बातों में आकर वैलेंटाइन उनके साथ बार में कुछ वक्त बिताने चला गया। वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में इतना गुम हो गया कि वो भूल गया कीकी उसका इंतजार कर रही है, और देखते ही देखते पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। क्लास और डैनियल का अफेयर शुरू हो गया था, और आखिरकार क्लास खुश रहने की कोशिश कर रही थी, पर एक दिन क्लास को पता चला कि डैनियल सिर्फ 16 साल का है। वो इस बात से परेशान तो हो गई, पर डैनियल से दूर नहीं जा पाई। उस दिन क्लास और सिमोन के बच्चों के स्कूल में एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, पर क्लास वहाँ नहीं आई। उस वक्त जब डेनिस ने अपने बेटे की उस टीचर सारा को देखा जिसकी वजह से उसकी शादी टूटी है, तो उसने टेड से कहा कि उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बिगड़ने के लिए एक छोटी सी गलती भी काफी होती है। उस दिन टेड ने सोचा कि सिमोन को वो एक गिफ्ट देकर उसे सारी सच्चाई बता देगा, पर उसके पास गिफ्ट के लिए पैसे नहीं थे, और इसलिए उसे कीकी की दुकान से चोरी करनी पड़ी। दूसरी ओर सिमोन क्लास से मिलने गई क्योंकि उसे लगा कि क्लास की तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर उसे डैनियल की सच्चाई के बारे में पता चला और बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली गई। वैलेंटाइन अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहता था, पर अब देर हो चुकी थी क्योंकि कीकी ये सोचने लगी थी कि वो दोनों कभी साथ नहीं रह सकते, और इस तरह उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। एक तरफ जहां उनके रिश्ते के साथ साथ सिमोन और टेड का भी रिश्ता खत्म हो रहा था, तो दूसरी तरफ डेनिस पहली बार अपने बेटे के करीब आ रहा था और अपनी गलतियों को सुधार कर उसे खुशी मिल रही थी। अगले दिन जब टेड ने सिमोन को गिफ्ट दिया तो उसने कह दिया कि वो जानती है टेड के पास नौकरी नहीं है। वो पूछने लगी कि उसके पास इस गिफ्ट के लिए पैसे कहां से आए, और तब टेड ने उसे अपनी चोरी की सच्चाई बता दी, और ये बात बाहर आने पर उनका रिश्ता और डगमगाने लगा। सिंटरक्लास के महीने में जहां हर कोई अपने परिवार के साथ रहता है, उस वक्त सबके रिश्ते टूट रहे थे।
एक दिन सारा डेनिस से मिलने आई। डेनिस का बेटा जानता था कि उसके माता पिता की शादी सारा की वजह से टूटी है, इसलिए उसने सारा को भगाने की कोशिश की और डेनिस और क्लास की शादी का वीडियो चला दिया। पर सारा फिर भी नहीं मानी और वही रुक गई। ठीक उस वक्त बार में कीकी और टेड की मुलाकात हुई, पर टेड से बुरा बर्ताव करने की जगह उसकी मजबूरी समझकर कीकी ने उससे बातें की। क्लास को एहसास होने लगा कि वो डेनिस के साथ नहीं रह सकती और वो अपने बेटे के पास जाना चाहती है, और यही कहकर वो अपने घर की तरफ दौड़ी। बार में टेड और कीकी एक दूसरे को संभाल रहे थे, पर सिमोन को ऐसा लगने लगा कि टेड भी डेनिस की तरह उसे धोखा दे रहा है। जब क्लास अपने घर पहुंची, तो उसने डेनिस को उनकी शादी का वीडियो देखते हुए रोते देखा और तब वो परिवार फिर से जुड़ गया। यान के शो का आखिरी दिन था और तब उसने अलीशिया से कहा कि उसे काम के अलावा अपने आप को प्यार के लिए भी वक्त देना चाहिए, और ये कहकर यान फिर से उस शो से गायब हो गया। वो उसी भिखारी एपी के पास गया जिसके साथ वो रह रहा था। एपी से उसने कहा कि वो सच में सेंट निकोलस नहीं है और वो सिर्फ एक आम आदमी है। वहाँ से गुजरते हुए टेड ने यान को देख लिया और अपनी बेटी की जान बचाने वाले को पहचान कर उसने उसका शुक्रिया अदा किया। वो उसे और एपी को अपने घर ले गया, पर वहाँ सिमोन मौजूद नहीं थी। सिमोन स्टोरेज में बैठकर रो रही थी, पर फिर टेड ने उसे समझाया कि उसका किसी और के साथ अफेयर नहीं चल रहा। उसने कहा कि वो घर के काम में उसका हाथ बटाएगा और अपनी गलतियां सुधारेगा, और इसी तरह दो टूटे रिश्ते उस रात फिर से सुलझ गए। अलीशिया को समझ आ गया कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए, पर ठीक उसी वक्त उसे खबर मिली कि शहर के सारे बच्चे गायब हो गए हैं। वो बच्चे असल में टेड के घर पर सेंट निकोलस से मिलने आए थे, और ये बात जानकर अलीशिया वहाँ यान का इंटरव्यू लेने चली गई। तब उस इंटरव्यू में यान ने बताया कि उसने सालों पहले एक गलती की थी। वो अपने 3 साल के बेटे को छोड़कर चला गया था और उस दिन के बाद वो उससे और अपनी पत्नी से कभी नहीं मिल पाया। ये शो पूरा शहर देख रहा था और टीवी पर उसने अपने बेटे का नाम केस बताया। केस पहली बार अपने पिता को देख रहा था, और जैसे ही वो अपने पिता से मिलने जाने लगा, उसके सामने विक्टर आ गया जो उसे यान के पास ले जाने लगा। सारे माता पिता अपने बच्चों को लेने आए, और ठीक उस वक्त वैलेंटाइन भी कीकी को लेने आ गया। कीकी का सालों का सपना अब आखिरकार पूरा हुआ, और साथ ही यान की वजह से हर जगह सिर्फ प्यार फैलने लगा। जल्द ही केस और विक्टर के सामने यान आ पहुंचा, जिसके बाद केस और उसके पिता एक हो गए, और अंत में अपने डर को भुलाकर विक्टर से उसने शादी कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।